हरियाणा के चंडीगढ़ में गुरुवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। इस बैठक में 159 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चंडीगढ़ में गुरुवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने के लिए कारगर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के लिए प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि की उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होगी। किसानों को प्रोत्साहन राशि की मंजूरी। मक्का उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि की मंजूरी। किसानों को 2400 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की मंजूरी। दलहन फसलों के लिए 3600 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की मंजूरी। प्रदेश में तिलहनी और दलहनी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण के लिए 38.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई। किसान परंपरागत खेती के अलावा फसल विविधीकरण से आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। फसल विविधीकरण से प्रदेश के 10 जिलों में योजनाएं क्रियान्वित होंगी। ढेंचा, मक्का और दलहनी फसलों पर होंगी योजनाएं क्रियान्वित। 50,000 एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण की योजनाएं क्रियान्वित होंगी। फसल चक्र बदलने से भूजल के गंभीर दोहन को रोकने में मदद मिलेगी। मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वेच्छा से पोर्टल पर अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। इस वर्ष झज्जर, रोहतक, सोनीपत के किसानों की 20,000 एकड़ भूमि को जल भराव समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिट्टी की जांच की जा रही है और किसानों को भूमि की गुणवत्ता अनुसार खाद, बीज सभी उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए 100 मिट्टी जांच लैबोरेटरी संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से अब तक 25 लाख सैंपल लिए गए हैं। किसानों, किसान सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदर्शन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS आपदा प्रबंधन PK दास, ACS विथ TVSN प्रसाद, ACS कृषि एवं किसान कल्याण सुमिता मिश्रा, साथ ही कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं ACS सिंचाई देवेंद्र सिंह, आयुक्त एवं सचिव पशुपालन विभाग पंकज अग्रवाल, MD डेयरी विकास विभाग ए श्रीनिवास सहित कई कृषि विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़े। चंडीगढ़ से जनता TV के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।